तो यही है वो स्टूडेंट जिन्होंने कि सीपीयू डन किया है। तो सर आपने कौन कौन सा सीपीयू डन किया है यहाँ पर? ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने काफी सारे सीपीयू यहाँ पर डन कर चुके। सर कुछ प्रॉब्लम होती है सीपीयू डन करने में सर, क्या? पहले ये 8 पे तो दिक्कत था, बाद में सर ने सेफ वे एंड ट्रिक्स बताए कैसा हैंडल करना, ट्वीजर कैसा पकड़ना, आईसी कैसा हैंडल करना, हीट कैसा मेजरमेंट करना, रूम टेम्परेचर कैसा रखना, ये सब का डिटेल बताए। उससे हम लोग को थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा से हो गया। बाद में पहले ये 8 को 2 अटेम्प्ट किया, बजट पूरा भी 1 अटेम्प्ट में हो गया। ओके तो गाइस इनका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि इन्होंने किया या नहीं किया, शायद आपको लग रहा होगा मैं किसी को भी यहाँ पर खड़ा करके आपको बोल दूंगा कि इन्होंने सीपीयू डन कर दिया। आज आप मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप आज की भी डेट देख सकते हैं, और नरेश जी ने अपने फेसबुक पे जब उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था आप वो डेट भी देख सकते हैं। तो मैं फेसबुक का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और बाकी इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि उन्होंने और कौन कौन से, क्योंकि जब इन्होंने 4 सीपीयू डन कर लिए तो आगे भी उन्होंने किए होंगे। और एक क्वेश्चन पूछो सर कि यहाँ पे आए थे सिर्फ हम इनको सिर्फ सीपीयू सिखाया है या फिर एंड्रॉइड कुछ सिखाया है या नहीं, ये स्कीमेटिक्स बताए या नहीं, ये भी तो जानकारी चाहिए सर। हाँ सर, इसके पहले मैं दूसरा इंस्टीट्यूट में थे, कोर्स किया था। ओके, मतलब इतना डिटेल्स को उधर नहीं मिला था। बेसिक कंपोनेंट्स से शिवा सर बहुत डिटेल से बताए थे, स्टेप बाय स्टेप बताए थे, कौन सा भी चीज़ है ना उसको हर स्टूडेंट्स को उसका दिमाग का लाइक का एक्सप्लेन करते थे, डेमो देकर एक्सप्लेन करते थे। अब पूरा स्टूडेंट्स के लिए बेसिक्स के बहुत परफेक्ट हो गया। बेसिक्स रहने भी आप सीपी निकल सकते, कोई कस्टमर आएगा देर सीपी निकल नहीं सकते, कुछ कंपोनेंट खराब रहेगा उसके लिए सीपी को हाथ नहीं रख सकते। वो कंपोनेंट्स ट्रेसिंग करने का, उसका टेस्टिंग क्या, उसका फंक्शन क्या, ये सब पे ना पूरा डिटेल से बताए थे शिवा सर ने। शिवा सर का बहुत थैंक्स है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हर बारी की तरह एक स्टूडेंट और हमारे साथ हैं। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी से कवर करने के लिए। सर आप कहाँ से? सर मैं सर हरियाणा कुरुक्षेत्र से। तो ये जैसे कि हरियाणा कुरुक्षेत्र से हैं, और सर आप इस फील्ड में कब से थे? सर मैं 5 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में था, बट मेरे को बेसिक नॉलेज नहीं थी जो कंपोनेंट की होती है, इसलिए मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं यहाँ सर से कॉन्टेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ पता चला जो मुझे नहीं पता था, तो अभी मैं बहुत प्रोफेशनल हो जाऊंगा इस काम में जाके आगे। तो आप सेटिस्फाई हैं? हाँ सर, मैं बहुत थैंक यू करता हूँ सर, रेस सर का, शिवा सर का, ऑल जो मेंबर हैं यहाँ के सभी का थैंक यू करता हूँ मैं बहुत। तो आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी यहाँ पर? हाँ जी सर, मैंने 8 सीपीयू बनाया, उसके बाद अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। आईफोन के सारे बोर्ड दिए जाते हैं जिसमें हम अपनी पहले डर रहता है आपका और डर निकल, वो निकल जाता है, उसके बाद हमें ऑन बोर्ड दिया जाता है जिसपे हम काम करते हैं और वो ऑन करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा सर ने भी 8 सीपीयू डन किया है, और आईफोन के बोर्ड की अगर वाली बात है तो बोर्ड की भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं और उसका भी कुछ चार्ज नहीं है, वो कोर्स में इंक्लूडेड है, वो कोर्स में इंक्लूडेड होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो इसी तरह से जैसे कि ये भाई भी हैं, ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने 22 दिन लगाए, और 22 दिन के बाद अगर ये भी कभी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं तो उसके लिए ये भी आ सकते हैं। ये क्या जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नरेश जी से पढ़े हुए हैं कहाँ पे, आईआरटी के अंदर, इससे पहले वाला कोई बैच नहीं, जो आईआरटी से पढ़े हुए हैं वो सब के लिए वेलकम है, यहाँ पर आप आए। अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर नरेश जी आपका कराएंगे कराएंगे, मगर आने से पहले एक बार कॉल जरूर कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है जितनी सीट होती है वो सारी की सारी फुल होती है, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस सर, और एक बात सर, जो आईआरटी का ही नहीं, इससे पहले के जो मैं जिस जगह पे पढ़ा था वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, ओके, और उनके लिए एकदम बेस्ट प्राइस दिया जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट है उनके लिए। तो यार देखो इससे अच्छी क्या बात होगी, मैं तो सोच रहा था अभी तक आईआरटी वाली बात है, तो नरेश जी का दिल देखो इतना बड़ा दिल है कि जो ये पिछली जिस जगह से ये पढ़ाकर आ चुके हैं ये उनको भी कह रहे हैं कि यार वो भी उनके लिए भी वेलकम है। तो उनके लिए क्या रहने वाला है वो आप इनसे इनके नंबर पे पता कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्योंकि मेरे से ही पढ़े थे लेकिन टाइम अभी अपडेट हो चुका है जी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से उनका फीस ले लूंगा। बिल्कुल। तो गाइस इसी तरह से आप वीडियो पर बने रहे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट हमारे साथ है, मगर ये तेलुगु में बात करते हैं, तो मैं नरेश जी से ही बोलूंगा कि इनसे कुछ पूछकर बताएं, ताकि मेरी समझ में तो आएगा नहीं, मगर जो हमारे भाई इस चैनल को देख रहे हैं और जो तेलुगु जानते हैं उनकी समझ में बिल्कुल सब कुछ आने वाला है। तो कोशिश करेंगे छोटा सा इनसे भी पूछने के लिए। सर मैं एक्सपीरियंस चेप्पन सर, प्लस मैं पेरू मैं रिकॉर्ड शायद కూడా చెప్పండి, మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, మీరు ఇంప్రూవ్ అయ్యారా కాలేదా, మీ మనీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వేస్ట్ అయిందా కాలేదా, ప్లస్ మేము ఇచ్చిన మేము చెప్పిన అన్ని మేము చేస్తున్నామా లేదా, అవి స్టూడెంట్స్ అంటే రాబోయే వాళ్ళకి తెలియజేయండి. ఓకే సార్, నేను 20 ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను సార్. నేను అయితే నేను చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళి నేర్చుకొని వచ్చాను 2017 వరకు, కానీ ఇక్కడ ఒక సిట్టింగ్లో నాకు చాలా కన్ఫర్మ్ అయింది. అయినా సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి మెయిన్
నరేష్ గారు ఆ స్కిల్స్ టోటల్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి మాకు అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి కొత్త వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి ఆ స్కిల్స్ మొత్తం మంచిగా ఇంకా ఉనికి బోల్ని కా మతలబ్ హై జో స్టూడెంట్స్ నయా ఇస్ ఫీల్డ్ మే ఆనా చాహ రహే ఉన్కే లియే భీ మేరే స్కిల్స్ యూజ్ హోయేంగే జో ఆల్రెడీ ఇస్ ఫీల్డ్ మే కామ్ కర్ రహే ఉన్కే లియే భీ మేరే స్కిల్స్ యూజ్ హోయేంగే వో బతా రహే तो ये कब से कहाँ ये 20 साल से इस फील्ड में है सर और अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट घूम चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद हमको लगा कि यहाँ पे कुछ बात है तो ये हैदराबाद से ही है ये नहीं हैदराबाद से नहीं ये कम्बम से है कम्बम जिले से यहाँ पे तेलंगाना में ये जिला पड़ता है तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं ये सर काफी इंस्टीट्यूट से घूम कर आए आखिर जब ये नरेश सर के पास आए तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई है ना सर 100% तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए फिर दोबारा पूछ लिया है कि ये बिल्कुल 100% यहाँ पर सेटिस्फाई हैं और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में भी कुछ है कि यार मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जाना है तो आप नरेश जी के पास आए और अगर आप कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप फोन पे पहले इनसे क्लियर कर सकते हैं उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे और जब मैं आपसे रिव्यू लूंगा आपका तो आप भी मुझे यही बताएंगे कि जो मैं सोचकर आया था उससे ऊपर ही यहाँ पर मिला है और सर जी इकड़ा टीचिंग चेप्पे शिवगार गानी మన ఇంకో శివ శివ స్క్వేర్ వాళ్ళది వాళ్ళ స్కిల్ చాలా అసలు ఎంతంటే మనకి బనానా నికాల్కే మూమెకిలారనా వైసా బోల్రా तो चलिए जिन आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके मन में भी चल रहा होगा शिवा सर कौन है तो एक बार फिर उन्हें हम कैमरे पर ले आते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं शिवा सर वाली बात आती है तो शिवा सर फिर मैं आपको कैमरे पर दोबारा से लेकर आया हूँ शिवा सर से आप पहले भी इन्हें मेरे कैमरे पर देखा होगा मैं इन्हें दोबारा भी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए आखिर शिवा है तो है कौन ये सर इनका क्या सर इनका नाम शिवा है ये एंड्रॉइड और आईफोन में हैंड स्किल्स पढ़ाते और स्कीमेटिक्स वो भी पढ़ाते इन डेप्थ लेवल और ये शिवा सर है ये बेसिक्स कंपोनेंट से लेके स्कीमेटिक्स और उनके वोल्टेज कैसे चेक करना मल्टीमीटर कैसे ये सब वो पढ़ाते हैं